तो बोर्ड में क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जा सकते हैं। वो आपको कहेगा कंसिडर टू पैरेलल थिन शीट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ फर्स्ट शीट एंड सेकेंड शीट एज प्लस सिग्मा। कोई डायग्राम नहीं, कोई उसने डेरिवेशन नहीं पूछी, कहानी डालनी उसने शुरू कर दी कि दो शीट्स लो, दोनों पैरेलल पड़ी हुई हैं, दोनों थिन शीट्स हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड प्लस सिग्मा। फिर वो आपको हो सकता है फिगर दे दे, रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री, और वो आपसे पूछ ले इन तीनों रीजन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। अब देखो, डेरिवेशन नहीं पूछ रहा, एप्लीकेशन पूछ रहा है। कैसे? सबसे पहले रीजन नंबर वन में अगर ई पूछ ले, तो जहां ई निकालने प्लस वन रख लें, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, दोनों डायरेक्शन मेरी तरफ हैं, दोनों थिन शीट का रिजल्ट ऐड होके नेट आंसर ही आ जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर ऐड हो गए, आंसर आ गया। रीजन नंबर टू में ये प्लस वन रखें, ये प्लस इस प्लस वन को रिपेल करेगा, ये प्लस इस प्लस वन को रिपेल करेगा, दोनों ऑपोजिट हैं, ई का कॉन्ट्रीब्यूशन थिन शीट्स का आपस में कैंसिल, तो नेट आंसर क्या आ गया, जीरो आएगा। फिर रीजन नंबर थ्री में पूछेगा, तो प्लस वन रख लें, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा, ये प्लस प्लस को रिपेल करेगा, नेट आंसर क्या होगा, दोनों को ऐड करके आंसर आएगा। ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो हो सकता है थ्योरी में पूछे, डायग्राम ना दे, हो सकता है डायग्राम दे। तो आप अगर रट्टे मार के जा रहे हैं कि मैं तो याद करके गया था और अब मेरे पूरे नंबर आएंगे, तो ज़रूरी नहीं है। अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे तो आपका कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि इतना आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो तो उसको कैसे हैंडल करना है। फिर क्वेश्चन वो ये नहीं आएगा तो ये पूछ लेगा कि कंसिडर अगेन टू पैरल शीट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन फर्स्ट प्लेट एज प्लस सिग्मा एंड अनदर प्लेट माइनस सिग्मा। माइनस सिग्मा का मतलब नेगेटिव चार्ज है प्लेट पे, मैग्नीट्यूड सिग्मा बराबर है, यानी कि चार्ज बाय एरिया की रेशियो दोनों की सेम है, बस एक प्लस एक माइनस है। फिर से तीन रीजन देगा, कहेगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ई निकाल लो। तो अगर यहाँ पे ई निकालना है तो क्या आएगा, प्लस वन, ये प्लस प्लस वन को रिपेल करेगा, थिन शीट का फॉर्मूला पता है, ये माइनस प्लस वन को अट्रैक्ट करेगा, तो थिन शीट का फॉर्मूला पता है, मैग्नीट्यूड ओनली प्लीज, दोनों वेक्टर ऑपोजिट हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन के हैं, आपस में कैंसिल, नेट आंसर जीरो। अगर रीजन नंबर टू है, प्लस वन रखो, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड होगा, माइनस नहीं लगाना, मैग्नीट्यूड ओनली, आंसर क्या आएगा, ऐड करने पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। रीजन नंबर थ्री में प्लस वन रखो, नेगेटिव प्लस को अट्रैक्ट करेगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, नेट आंसर जीरो। ये भी बहुत आता है पेपर में, तो जरूरी नहीं कि शीट का मतलब डेरिवेशन आएगी, ऐसे भी आते हैं। रीजन नंबर वन में पिछले में ऐड करके ये आंसर है, एक रीजन का सेंटर वाले का जीरो है, थर्ड वाले का ये है। नहीं, पॉइंट पे पूछेगा, नेट नहीं होता, तीन पॉइंट्स पे क्या होगा, तीन क्वेश्चंस पूछेगा एक एक नंबर के, ऐसी तीन आंसर्स हैं इसके, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनने वाला है, आप फॉर्मूला रजिस्टर में एंटर भी कर सकते हैं। वो ये, आप ऐसा डायग्राम बना लें, ऐसा डायग्राम बनाएं कि अगर दो पैरेलल शीट्स हैं हैविंग सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, ऐसे बराबर है ये, तो इसके यहाँ ई की वैल्यू यूनिफॉर्म कांस्टेंट है, जिसका फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्स, ये प्रूव किया हमने, ऐसे ये प्रूव किया, ये बना लें, क्योंकि ये रिजल्ट कैपेसिटर चैप्टर की स्टार्टिंग में पहला रिजल्ट ये यूज होगा। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट से बना होता है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट 100 बार यूज किया जाएगा, तो वो यहीं से उठाया जाएगा। तो नोट कर लें, मतलब उस टाइम तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा ही बोलूंगा कि गॉस थ्योरम की आखिरी एप्लीकेशन यही थी, तो नोट कर लें।